हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट इन सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विद मल्टीपल केसेस। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट को हम एक वेरिएबल देते हैं। स्विच स्टेटमेंट उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको कंपेयर करता है अपने मल्टीपल केसेस के साथ। वंस द केस मैच इज फाउंड, ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर केस इज एग्जीक्यूटेड। जो वेरिएबल हम स्विच स्टेटमेंट को देते हैं, अगर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्विच स्टेटमेंट के किसी भी केस के साथ मैच कर जाए, तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, जो मैच हुआ केस होता है उसके उस केस के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाकी के जितने भी केसेस होंगे उसको एग्जिट कर देगा, उसको स्किप कर देगा। इफ़ ए केस मैच इज़ नॉट फाउंड देन द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द कंट्रोल गोज आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। अगर हमारी वेरिएबल किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती तो स्विच स्टेटमेंट पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है। अगर वेरिएबल किसी भी केस के साथ मैच ना करे तो स्विच स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और स्विच ब्लॉक के बाहर चला जाता है। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका, स्विच स्टेटमेंट का। हम सबसे पहले स्विच लिखते हैं, फिर उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम वेरिएबल या फिर वैल्यू देते हैं, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुई है ये लास्ट पे, ये स्विच स्टेटमेंट की बॉडी है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल केसेस देते हैं, जैसे कि ये देखें, फर्स्ट लिखा हुआ केस और यहाँ पर मैंने वैल्यू दी हुई है 1 और लास्ट पे कॉलन। और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये जो हमारा फर्स्ट केस है इसकी जो बॉडी है ये वाली है, ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हुई है। इसके बाद हम सेकंड केस देते हैं, उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा केस और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं केस 2, लास्ट पे कॉलन, और फिर ये केस 2 की जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको लिख देते हैं। और हम जितने चाहें उतने केसेस यहाँ पर लिख सकते हैं, और लास्ट में हमें डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के बाद कॉलन लगा के इसकी डिफ़ॉल्ट की जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये हमने लिख दिया हुआ है। इसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट रन कैसे करेगा या फिर एग्जीक्यूट कैसे करेगा, इसका रन करने का तरीका क्या है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो वेरिएबल देते हैं वो यहाँ पर देते हैं। ये क्या करता है, ये वेरिएबल्स को देखता है, वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है। अगर तो वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर है तो ये क्या करेगा, केस 1 यहाँ पे देखें ये 1 है, ये वेरिएबल केस 1 के साथ अगर मैच है तो ये क्या करेगा, इस केस 1 के अंदर, केस 1 का जो बॉडी होगी उसके अंदर जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाकी सारा कुछ स्किप कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरिएबल के अंदर 2 स्टोर है तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा फर्स्ट केस को, इसमें तो 1 है नहीं, इसको स्किप कर देगा, और फिर नेक्स्ट केस को चेक करेगा, नेक्स्ट केस में 2 है तो ये वेरिएबल 2 के साथ मैच होगी। इसका मतलब ये है कि ये इस सेकंड जो हमारा केस है इसको रन करेगा, और सेकंड केस के अंदर भी हमारे पास एक ब्लॉक बना होता है उसको रन कर देगा। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी केसेस बना सकते हैं। और अगर ये जो वेरिएबल है हमारे किसी भी केस के साथ मैच नहीं करेगी तो ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको रन कर देगा, बाकी सारे केसेस को स्किप करेगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा और ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। और इसको एग्जांपल में देखते हैं, ये फ्रेंड हमारा कंपाइलर ओपन हो गया, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं लिख लेता हूँ ए और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ ए, जो हमने ये बनाई हुई है, ए के अंदर स्टोर है 1, ठीक है। अब हम स्विच स्टेटमेंट की बॉडी ओपन करते हैं और बॉडी के अंदर मैं केस बनाना शुरू कर देता हूँ, केस और 1, यहाँ पे केस 1 लिखा और लास्ट पे कॉलन लिखा, और यहाँ पे मुझे केस 1 की बॉडी ओपन करनी पड़ेगी। केस 1 की बॉडी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो
डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ या फिर जो भी काम करवाना चाहता हूँ इस बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब हमारा केस वन मैच हो तो यूज़र को डिस्प्ले हो केस वन इज़ मैच प्रिंट एफ। उसके लिए मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख देता हूँ केस वन इज़ मैच। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको केस सेकंड बना देता हूँ। ये केस टू, यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं केस टू इज़ मैच। ठीक है, और फिर दोबारा से मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे केस थ्री बना देता हूँ। इसको ज़रूरी नहीं है कि हम केस टू या केस थ्री बना सकते हैं, हम जितने चाहें उतने केसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, केस थ्री के बाद मैं यहाँ पे बस थ्री केस ही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट की बॉडी ओपन क्लोज करनी पड़ेगी और डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं प्रिंट अप करवा देता हूँ नो केस मैच, नो केस मैच। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मेरे पास कौन सा केस रन होना चाहिए अगर ए के अंदर वैल्यू वन स्टोर है। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मेरे पास फ्रेंड मैच तो सिर्फ यही केस होगा लेकिन एग्जीक्यूट सारे केस करेंगे। एग्जीक्यूट क्यों करेंगे सारे केस वो हम देखते हैं कंपाइल एंड रन करने के बाद। ये देखें, केस वन इज़ मैच, केस टू इज़ मैच, केस थ्री इज़ मैच, नो केस मैच। ठीक है, तो ये सारे केसेस क्यों रन कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट भी क्यों रन कर रहे हैं, वो इसलिए रन कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा हुआ। एक बात याद रखें कि जो भी केस हम ओपन करते हैं उसकी बॉडी की लास्ट पे हमें ब्रेक कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सब के अंदर ब्रेक कीवर्ड लिख देता हूँ, ब्रेक कीवर्ड सिवाय डिफ़ॉल्ट के। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लास्ट पे ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखते। ठीक है, मैं अब इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब देखें ये रन हो रहा है सिर्फ केस वन इज़ मैच। ये सिर्फ केस वन इसलिए शो करवा रहा है क्योंकि ये देखें केस वन हमारा मैच था तो ये केस वन के केस वन तक पहुँचा और इसने क्या किया, ये जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था इसको रन करवाया और बाद में ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड काम ये करता है कि जहाँ पे अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं तो जब ये हमारा कोड यहाँ ब्रेक तक पहुँचेगा तो ब्रेक क्या करता है कि ये कोड को स्विच स्टेटमेंट के बाहर ट्रांसफ़र कर देता है। ये बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को छोड़ के ये चला जाएगा स्विच स्टेटमेंट के बाहर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक का ये काम है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता तो हमारा केस मैच हो जाएगा। अगर केस वन मैच होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको रन करवाएगा फिर इसके नीचे चेक करेगा, ये क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा हुआ, ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या करेगा इसके नीचे चेक करेगा, इसके नीचे भी केस है उसको भी रन करवा देगा। फिर अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लिखा होगा तो ये फिर इसके नीचे जाएगा, जो जो भी केस नीचे होगा उसको भी एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, अगर ये केस मैच हो गया तो ये इसकी बॉडी को रन करेगा और इसके बाद ब्रेक कर देगा और स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। तो इसका यही काम है। वैसे यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू ये दो कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स जो हैं ये क्यों यूज़ होते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं ये स्विच स्टेटमेंट को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट ए, ए और ए को मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र हमें बताए कि हमने कौन से केस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर मैं परसेंटेज डी, और जो भी यूज़र एंटर करेगा वो ए के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो यूज़र अगर वन प्रेस करेगा तो ये देखेगा ए यहाँ पे स्विच के अंदर वन
यहाँ पे वन देखेगा ए के अंदर क्या है, ए के अंदर अगर वन है तो केस वन को मैच करवा देगा, अगर यूज़र टू प्रेस करेगा या थ्री प्रेस करेगा तो उस हिसाब से ये केस रन करेगा। अगर यूज़र टू प्रेस करेगा तो ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगा, अगर यूज़र थ्री प्रेस करेगा तो ये केस थ्री की बॉडी के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ठीक है, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वन, अब देखें केस वन इज़ मैच। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कंपाइल एंड रन करके इसको प्रेस टू करूँगा तो ये देखें केस टू इज़ मैच, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थ्री करता हूँ केस थ्री इज़ मैच। अगर मैं यहाँ पे कोई गलत वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 50 एंटर कर देता हूँ, ये देखें नो केस इज़ मैच। ये नो केस इज़ मैच क्यों हमें डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये देखें स्विच जो है वो चेक करेगा अगर केस वन है, वन अगर ए के अंदर वन है तो ये इस केस को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सबको स्किप करेगा। अगर टू है तो इस केस को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी स्किप करेगा। अगर थ्री है तो ये थ्री केस को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सारा कुछ स्किप करेगा। लेकिन अगर ये दिए हुए केसेस में से कोई भी मैच नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट के अंदर आएगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर हम चाहते हैं कि यूज़र से वन टू थ्री वाली वैल्यूज़ लें तो उसके लिए हमें इंटीजर वेरिएबल बनानी पड़ती है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र ए बी सी इस तरह का कुछ प्रेस करें, प्रेस ए प्रेस बी प्रेस सी इस तरह का कुछ प्रेस करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चार लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर चॉइस, और ये लिखा हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज सी करना पड़ेगा ये, क्योंकि हम यूज़र से करेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ को भी चेंज करना पड़ेगा, केसेस के अंदर जो वैल्यू दी हुई हैं यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर, आपको पता है जो हम करेक्टर लिखते हैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर यूज़र ए प्रेस करेगा तो केस ए इज़ मैच, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो इसके अंदर भी मैं ए लिख देता हूँ, उसके बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा, तो फ्रेंड अगर यूज़र ए प्रेस करेगा तो केस ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट होगी, अगर बी प्रेस करेगा यूज़र तो बी के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर यूज़र सी प्रेस करेगा तो सी की बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर यूज़र की वैल्यूज़ इन केसेस के साथ मैच नहीं करेंगी तो ये डिफ़ॉल्ट जो कोड होगा वो रन करेगा। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई रॉन्ग वैल्यू लिख देता हूँ, मैं वन लिखता हूँ, आप देखें नो केसेस मैच, ठीक है। अब दोबारा से मैं ए प्रेस करता हूँ तो केस ए इज मैच, ओके। अब बी प्रेस करता हूँ तो केस बी इज मैच, सी प्रेस करते हैं तो केस सी इज मैच, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। लेकिन फ्रेंड ये देखें, अगर यूज़र कैपिटल ए प्रेस करेगा, ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, और अगर यूज़र कैपिटल बी प्रेस कर देगा या फिर यूज़र कैपिटल सी प्रेस करेगा तो फिर हमें क्या डिस्प्ले होगा, ये देख लेते हैं। फ्रेंड मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आप देखें मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखूँगा तो ये देखें नो केस इज मैच। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कैपिटल ए का भी एक केस बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखेंगे केस, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कैपिटल ए लिख दूँगा, ठीक है। इसी तरह मुझे बी के साथ भी कुछ इसी तरह से करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कैपिटल बी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल सी लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड अगर यूज़र कैपिटल ए प्रेस करेगा या फिर स्मॉल ए प्रेस करेगा तो ये सेम कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर यूज़र कैपिटल बी प्रेस करेगा या स्मॉल बी प्रेस करेगा तो ये सेम कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर यूज़र कैपिटल सी प्रेस करेगा या स्मॉल सी प्रेस करेगा तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्मॉल ए पहले लिखता हूँ,
ये देखें केस ए इज मैच्ड, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंपाइलर रन करता हूँ और यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ इस दफ़ा, तो मैं एंटर करूँगा तो ये देखें केस ए इज मैच, ठीक है। इसी तरह अगर कैपिटल बी भी लिखूँगा तो मुझे ये देखें केस बी इज मैच्ड, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही है।